दोपहर के 2 बजे की घटना है। बच्ची पानी पीने के लिए या पानी लाने के लिए मुर्गा फार्म के पास जो नल है वहाँ पे जाती है। जो पूर्व प्रमुख है वो वहाँ पे होता है राजेश सिंह, वो उस बच्ची को खींच के अंदर ले जाता है और उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है। उसके बावजूद भी उसका जो रवैया है वो पहले से ही इतना ये रहा है कि उसको कोई डर नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज तुम अगर केस वापस नहीं लोगे तुमको जान से मार देंगे, उनको जान मार छपी है, डर है, कब इसको खून कर देगा कोई ठिकाना। गाँव वालों का ये कहना है कि वो ये कोई पहली घटना को अंजाम उसने नहीं दिया, इसके पहले भी उसने कई बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है और लोगों में डर इतना ज्यादा है, चूंकि ये बस्ती जो है वो दलित की बस्ती है और संख्या जो है तकरीबन 400 लोगों की है, 4000 लोगों की संख्या है और इसके बावजूद भी आप कहिए कि घटना होना और उसके बावजूद भी बेखौफ रहना, ये दोनों ही चीजें दिखाती है कि क्या चल रहा है इस सरकार में। और उसके पहले भी मतलब कुंडी प्रथा का याद दिलाता है ये घटना कि पहले होता था ना कि वो बोल रहा है जो हमको विरोध में गवाह देगा उसको मैं जान से मार दूंगा, जो हमको विरोध में गवाह देगा उसको जान से मार देंगे। तो 12 रात को हमको फोन किया था जो हमको जान मैंने राजा सिंह आकर हमको जान मारने की धमकी दे रहा है पसीखाना के बगल में, लड़की के भाई राहुल हमको फोन किया, हमने सुबह 6 बजे आए आ कहे तुमको डरने का 6 पूछिए इनको क्या आए थे वो 6 बजे 6 बजे आए कहा क्या हमको जान मारने की धमकी दे रहा हम डर मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। दबंगई इतना है कि किसी पेपर में ये खबर नहीं छपा। हाँ हाँ ये किसी पेपर में नहीं छपा, एक पेपर में कोना में था और एक प्रातः किरण है, हम लोग के साथ रहते हैं, मैंने स्ट्रीम मीडिया में नहीं है लेकिन वो छापे थे। ये पल्टन जी है, ये जो है सो पूर्व में भी यहाँ पे दलित बस्ती है समझ गए, और वो जो है जमींदार का गांव है जहाँ से ये आते हैं, तो यहाँ पे ये लोग हमेशा से शोषित हुए हैं। जैसे किसी के घर में मन हुआ घुस गए कर दिए, डर से कोई नहीं बोलता था, जो बोला उसको पैसा मार दिए। ये मामला भी जो था ये भी नहीं खुलता, अगर हमको फोन नहीं आता तुमको पूरा प्रोटेक्शन रहेगा, सुरक्षा देंगे और तुम जो सच्चाई है बोलो हम लोग को मीडिया में, ये आके बोला। फिर इसको फोन आया है घर से कहाँ से, बोलता अब हम जाएंगे। दबंगई का ये चीज था और हमारे नंबर पे खुद मैनेज करने के लिए स्वीट प्यार से जो धमकी होता है वो सब मिल रहा था। आरोपी का नाम क्या है? राजा सिंह पूर्व प्रमुख। राजा सिंह पूर्व प्रमुख। अच्छा। यहाँ पर जिसके साथ घटना हुई है वह 4000 वोटर है इस पंचायत में, 4000 रहते हुए कोई उसको डर से बोल नहीं रहा था और बचिया जो 2 बजे दिन घीचते हुए जा रहे थे कुछ लोग देखा लेकिन उनको डर से बोल नहीं रहा था और वह रूम में बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो करना था करके उसको रस्सी से बांध दिया। ये चीज और बताते हैं, जब ये लड़का गया कहने के लिए इसको मार पीट के बैला दिया उसे घर पर से, कहा कि तुमको जो ताकत लगाना है लगाओ, तुम जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जाना है जाओ। बगल में DSP साहब का ऑफिस है, 2 मिनट का रास्ता। यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, पूरा टोला का लोग डरा हुआ, लेकिन एक बार भी पुलिस का टीम नहीं आया ये बोलने के लिए कि तुम लोग मत डरो, हम लोग प्रशासन हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, हम उसको पकड़ेंगे। एक आश्वासन देने तक के लिए DSP साहब नहीं आए। पूरी तरह से वो मैनेज है और पकड़ने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। FIR दर्ज हो गया, अभी पुलिस आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, कभी पुलिस नहीं आई है। अगर लड़की का ब्लीडिंग नहीं होता ठीक है तो मेडिकल रिपोर्ट भी खत्म कर दिया जाता, चूंकि शारीरिक तकलीफ उसको इतना ज्यादा हो गया था, इतनी छोटी बच्ची है, मेडिकल हो गया, खत्म कर लेना चाह रहा है। थोड़ी सी मेच्योर रहती फिजिकली तब तो मेडिकल में ही उसका गायब करवा देते, लेकिन बच्ची थी वो 50 साल का था, शारीरिक तकलीफ हुआ ज्यादा, खून उन कपड़ा पे था, कपड़ा भी चढ़ने की नहाई भी नहीं, ये सब प्लस पॉइंट हुआ जिस वजह से FIR दर्ज हो गया। अगर रिपोर्ट आ गई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% ब्लीडिंग बहुत हुई है, मेडिकल दबाने के लिए चाह रहा है, जिसे सुनने में आया है मेडिकल वो जाता है, हम दबा देंगे। पॉजिटिव आ गया है, लड़की की उम्र 14 वर्ष है,